तो एक टाइगर का एरिया बनता है 10 एवरेज जो है। सामने टाइगर आ गया, चलो चलो साइड है। लेकिन सेटिंग हो गया ना, अभी 10 मिनट हो गए। उधर की तरफ किया है, पता नहीं, उम्मीद तो है कि रोड में वापस आ सकता है। तो हमने एंगल भी बना लिया और अपना कैमरा भी सेटअप कर लिया। पता नहीं, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उसने क्या किया, इस पे पैर रखे पहले, हाँ, उसके बाद वो वाला मारा। अच्छा जी, हाँ। नीचे से नहीं खड़े होकर मारा, इसके रोकते से। ये S3 की मार्किंग है, हाँ, S3 की मार्किंग। ये पेड़ के ऊपर चढ़ के मार्किंग करी है, जो गिर गया था पेड़ से। हाँ। तो जी अभी हम पहुंचे सांबर ताल में और इसका दूसरा नाम है झंड ताल। अब झंड ताल क्यों बोलते हैं ये आप बताओ। हेलो जी साथी को, हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के YouTube चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सक्सेस होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी हम आए हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व और प्रिंस होम स्टे में हम स्टे करने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जंगल घूमना है, तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है टाइगर देखने का, खाली हम जंगल घूमने हैं और जंगल देखेंगे, चिड़िया देखेंगे और यहाँ के डियर्स देखेंगे। क्यों खत्री जी, टाइगर नहीं देखना है, बस आज पूरा जंगल देखना है। जंगल देखने का मूड में, हाँ, बाहर दिख जाए, पानी बेजर दिख जाए। तो आज हमारे साथ है भैया, आपका नाम? आसिफ। आसिफ भाई के साथ हम जाएंगे और साथ में हमारे रवि भाई और खत्री जी और साथ में मेरी सिस्टर और जीजू। ऑल सेट टू गो? बिल्कुल, चश्मा ले लूंगा। और सफारी की शुरुआत जो होगी वो होगी मेन रोड से, और उसके बाद देखो कच्ची या पक्की में से कहीं से घुसेंगे। और आसिफ भाई कैसे चल रहा है आजकल, मूवमेंट वगैरह? सेटिंग सुबह भी हुई, कल शाम में भी। अच्छा, सुबह भी हुई थी आज। तो देखो जी, बाकी उससे हमें कोई मतलब नहीं है सेटिंग से, हम जंगल घूमेंगे बस। अभी कुछ टाइम पहले इस रोड में टाइग्रेस के साथ 3 कब्स थे ना उसके, कहाँ पे दिखे थे वो? आगे वाले ग्रास लैंड में, तो वो जगह भी दिखाएंगे। और भैया ने बताया कि 8 बजे के बाद शायद यहाँ बाइक के भी अलाउ नहीं कर रखी है, पीछे चौकी बन रखी है, तो वहाँ पे बाइकों को रोक देते हैं पीछे ना, आगे से वहाँ पे बैरियर भी लगाया हुआ। अच्छा, अरे भाई यहाँ का उतर रहे हो, टाइगर खींच लेगा यहीं से। यहाँ खींच के गोटे ही ले जाएगा फिर। आगे ना बैरियर है, चौकी है, उनसे पूछना कहाँ पे करें। ऐसे जंगल में ना बहुत सारे बाघ है, ठीक है। अच्छा, तो अटैक कर दिया था उस दिन बाइक पे, क्रॉस कर रहा था उसका, मतलब शिकार जो है उस पर पड़ा हुआ था, वो अपने शिकार के पास आ रहा है। अच्छा, इधर से स्पीड में जा रहा है, ओवर स्पीड, अचानक से टाइगर निकला, वो देख के डर इतना गया, वो एकदम गाड़ी गिर गई। अच्छा, गाड़ी गिर गई, मतलब ऐसे टाइगर ने कुछ नहीं किया। और ऐसे एक वीडियो भी आई थी जहाँ पे टाइगर चल रहा था और एक बाइक क्रॉस हो गई थी, वो भी शायद इसी साइड के थे ना। लाल पुल के आगे। अच्छा, कब्स की वजह से यहाँ पे कोई स्पीड ना जाए करके, तो अभी एक ग्रास लैंड आएगा। तो अभी ये जस्ट बैरियर लगाए, तो इसके आगे एक ग्रास लैंड है, यहाँ से टाइग्रेस और उसके बच्चे क्रॉसिंग करते हैं। तो कितने बार दिख गए हो बच्चों के साथ क्रॉसिंग? पहले तो लोकल में दिखा था किसी को आने जाने वाले को हाईवे पे, हाँ, फिर सफारी वालों को। अच्छा, सफारी वालों को भी देखिए, दो तीन बार। अच्छा, तो घास में छुपा रही हो बच्चे को सेफ्टी के लिए। तो अभी शुरुआत कर रहे हैं हम कच्ची पटरी से, कच्ची पटरी पीलीभीत टाइगर रिजर्व।
इसी एरिया में किल है। ये किल किसका है? ये टाइगर ने किया था ना। एस्टो लेकिन कई बार ईगल होने में भी ये लगातार बोलता है। अरे भाई कुछ लग रहे हैं रवि भाई यहाँ पे पहले देख लो ईगल ऊगल कहीं बैठा कहीं। हाँ ईगल नहीं है। हाँ ईगल तो उस टाइम पर टाइगर जब निकला था पर एक कॉल की यहाँ पर कॉल थी हम लोग यहीं खड़े थे एकदम सामने क्या बोलो उस तरफ से। किल किल कितने दिन पहले किया था यहाँ पे? अच्छा स्मेल आ रही थी मतलब 3-4 दिन पहले। तो आजकल गर्मी में तो ऐसे कम ही चला रहा होगा अपना। कितने दिन तक? 4-5 दिन चलाता होगा मैक्सिमम। सड़ भी जाता है ना गोश्त मांस। अच्छा नहर का ही होगा वो फंसा हुआ। तो ये है कि वहाँ पे मुर्गा तो लगातार बोल रहा था अब, लेकिन डांस में हो सकता है कि टाइगर है, लेकिन हम दोबारा यहाँ पर ट्राई मारेंगे। तो अभी सारे जितने रूट हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं, खासकर पानी के आसपास का एरिया, क्योंकि गर्मी का टाइम है और मौसम भी काफ़ी गर्म है देखा जाए तो। और अभी कुछ टाइम पहले जस्ट यहाँ पे जो कच्ची पटरी है यहाँ पे जो आपके टाइगर है S2 S3 Surai 2 and Surai 3 तो एक के पीछे एक टाइगर जाते हुए दिखा था। और मतलब काफ़ी एक वो है कि मेल टाइगर है दोनों प्राइम अलग अलग और एक ही रोड में अपनी टेरिटरी भी मार्किंग कर रहे हैं और मार्किंग ओवरलैपिंग भी कर रहे हैं और एक ही रास्ते में चल भी रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये है कि जो पीछे वाला टाइगर था S2 उसने थोड़ा सा खदेड़ा भी था आगे, हालांकि दोनों के बीच में फाइट तो नहीं हुई, लेकिन यह कि एक टाइगर थोड़ा आगे चलने लग गया था। जी सबसे पहले आज की शुरुआत डियर के साथ। तो ये नई घास खाने के लिए काफी डियर यहाँ पे देखे जा रहे हैं। बाकी और सफारी भी आने लग गई है। तो यहाँ पे अगर बेसिकली बात की जाए तो एक तो ये अपनी जिप्सी चलती है और उसके अलावा जिनान है जो कि थोड़ी सी साइज में बड़ी है, वो आगे दिखेगी तो आपको दिखाएंगे। और साथ में ये कैनाल चलती है जो है सारदा रिवर की कैनाल जो नेपाल और इंडिया में बॉर्डर शेयर करती है, काली गंगा और गोरी गंगा, वो जाके आपका बनबसा टनकपुर के पास मिलती है सारदा। अरे वाह यहाँ पे क्रोकोडाइल का बच्चा है आगे से देखने को मिला, पता आ गया। ये है जी और थोड़ी बहुत हमने इसकी फ़ोटो निकाली वो आपके साथ शेयर करते हैं। और अब चलते हैं फिर भैया हैं आगे चले आगे। चलो तो ये थी गाड़ी की बात और बाकी यहाँ पे जो डियर है उनकी 5 प्रजातियाँ हैं देखने को मिलती हैं, 12 सिंगा, हॉक डियर, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर और बार्किंग डियर। ये 5 डियर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा टाइगर है, स्लॉथ बियर है जो हमने देखे हैं, उसके अलावा हनी वेजर है और
काफी सारी चीजें, क्रोकोडाइल हो गया, ईगल है, आउल है, ब्राउन फिश आउल। और जैसे कि इसी रोड में दो मेल टाइगर्स चलते हुए दिखे थे, तो यहाँ पे कई बार ना टेरिटरी ओवरलैपिंग भी हो जाती है, और उसका कारण ये है कि काफ़ी मात्रा में फूड की अवेलेबिलिटी, जैसे डियर वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा है, तो ये आपस में फाइट भी नहीं करते और छोटे से इलाके में अपना जीवन व्यापन भी कर लेते टाइगर्स। उसके अलावा जैसे हम बात करें कि ये पूरे टाइगर रिजर्व का एरिया है, 800 किलोमीटर स्क्वायर, 800 किस अच्छा ये वाला देखो पहले, ये मार्किंग करी है। ओ भाई साहब, ये वाला देखो पहले, ये तो है ये पेड़ के ऊपर चढ़ के मार्किंग करी है। उसे पेड़ पे चढ़ा था जो गिर गया था पेड़ से। मतलब वो मिल नहीं पाया सही से किसी को, ये देखो मार्किंग करी है, नहीं पड़ती रही उस साइड वालों को भी। 12 फीट है, 12 फीट जो मैंने आपको वीडियो दिखाया ना, वो उसने क्या किया, इस पे पैर रखे पहले, हां उसके बाद वो वाला मारा। अच्छा जी, नीचे से नहीं खड़े होके मारा, ये S3 की मार्किंग है। तो S2 ने नहीं मारी होगी फिर इसमें, S3 ये दिखाना चाह रहा था, बलवान हो सबसे नहीं बोल रही हूँ, है तो बलवान ही लगता है इतना बड़ा है। डरता है। लेकिन लेकिन रवि भाई अगर S2 ने भी इसमें मार्किंग कर दी तो दोनों आपस में भिड़ेंगे फिर। है तो ये देखा ये कैसे टेरिटरी मार्किंग करते हैं टाइगर, एक अपने आप को और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए ये पेड़ में लटक भी जाते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ के भी मार्किंग बहुत टॉप लेवल तक करता है। और जो ये टाइगर की बात कर रहे हैं S2 S3, तो ये है सुरे 2 सुरे 3, अगर बोला जाए कि उत्तराखंड में लिस्टेड होंगे ये टाइगर, और अभी अपनी टेरिटरी मार्किंग करते हुए यहाँ भी दिख रहे हैं। और रवि भाई ने बताया था कि 25 किलोमीटर दूर, मतलब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर सुरे में भी क्लिक किया गया है, और ये एरिया में लग के अगर बात करें तो 25 किलोमीटर तक का ये टेरिटरी अपनी शेयर कर रहे हैं। और अगर पूरे एरिया की बात करें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, 800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और इसके अंदर अगर टाइगर की बात करें 75+ टाइगर हैं, 80 भी पकड़ लो तो एक टाइगर का एरिया बनता है 10 एवरेज जो है। सामने टाइगर आ गया, चलो चलो साइड ले गए। सेटिंग हो गया ना, अभी 10 मिनट हो गए, उधर की तरफ किया है पता नहीं, उम्मीद तो है कि रोड में वापस आ सकता है, तो हमने एंगल भी बना लिया और अपना कैमरा भी सेटअप कर लिया, पता नहीं, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। माता जी सवारी में तो है, मौसम काफ़ी सही चल रहा है और हवा भी चल रही है, और देखते हैं अब क्या है, हमें वेट तो यहीं करना पड़ेगा क्योंकि दीदार हुए हैं, तो जिसके दीदार हुए हैं उसका वेट करना बनता है।
तो रवि भाई जैसे ये मूवमेंट, तो जैसे ये मूवमेंट है ये रोड पे ही करते हैं? गर्म मौसम है, पानी तो चाहिए है, नहर के ही पास जाता है। और साथ में जो सफारी के ट्रैक है उस पे ही ज्यादा चलते हुए रोड पे ही सकते हैं। हाँ। तो जी अभी हम पहुंचे हैं बाइफरकेशन में, आ जाएंगे जैसे वो एरिया देख। तो जी कम से कम काफी देर वहाँ पे वेट करने के बाद अभी हम दूसरे एरिया की तरफ फिर ट्राई करने जा रहे हैं, अगर उसकी मूवमेंट वहाँ हुई होगी। वैसे तो कॉल्स, अलार्म कॉल नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करेंगे क्योंकि कुछ गाड़ी हमारी वहाँ पे भी वेट कर रही है। तो हम यहाँ पे चेक करके वापस वहाँ की तरफ भी जाएंगे। मतलब घुसते ही साइडिंग तो बढ़िया हो गई, देखियो आगे से तो पूरा देखा और मूवमेंट भी देखी, कैप्चर भी हुई है कैमरा में, फ़ोन में मतलब, लेकिन कैमरा निकालने का मौका नहीं दिया। जहाँ पे हम जस्ट सोच ही रहे थे कि अब कैमरा निकालते हैं और गाड़ी भी रुकी गई थी, उतने में वो निकल गया। तो बताया जा रहा है कि मतलब ये शायद S3 है और कुछ टाइम पहले इसकी S2 टाइगर के साथ झड़प भी हुई थी, और हल्का से चलने में भी आप देखेंगे ना थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है हल्का फुल्का। तो कहीं ना कहीं से ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा डरा हुआ है, तो शायद इस वजह से वो अंदर की तरफ भाग गया। यूजुअली ऐसा नहीं देखा जाता था, समांतर रोड में चलते हुए देखा जाता था, लेकिन ये फाइट के बाद थोड़ा सा इसके बिहेवियर में चेंज ये आया है। तो जी ये देखिए यहाँ पे स्पॉटेड डियर हमें दिख रहा है, और थोड़ा सा आगे अभी ये देखिए जो बड़ा दिख रहा है ना फीमेल है बारहसिंगा, स्वैम्प डियर जिसे बोलते हैं। अभी ये देखिए एक जो ये चल रहा है ना स्वैम्प डियर है बारहसिंगा फीमेल। तो जी अभी हम पहुंचे हैं सांबर ताल में, और इसका दूसरा नाम है झंड ताल। अब झंड ताल क्यों बोलते हैं ये आप बताओ। तो अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं ऊपर चेक करके आते हैं और पूरा माहौल आपको दिखाएंगे। ज्यादा कोने में मत जाना वहां क्या। भैया जी इसको झंड ताल क्यों बोलते हैं? तो ये झंड करा दिया था यहाँ के झंड हो जाते हैं कभी कभी टाइगर झंड कर देता, कभी कभी डियर कर देते, झंड ही रख दिया। तो जी ये है सीन, झंड ताल हम देख के आ गए और अब चल रहे हैं वापस। ये गाड़ी है जिनोन। तो जी ये भी पूरा आपका साल फॉरेस्ट है। तो कच्ची पटरी में फिर से हम एक बार और देखते हैं वहां जो हमारे साथ वाले भी वेट कर रहे थे क्या रहा उनका स्टेटस। तो अभी सीन ही है ना, मतलब काफ़ी सारी गाड़ी यहाँ से निकल गई थी और हम भी सोच रहे थे पक्की पटरी में जाते। मैंने रवि भाई से बोला यार कहीं और चांस लेते हैं। अब उतने में क्या है कि मुझे टाइगर दिख गया था और बैठा हुआ था, और जब मैंने उसकी तरफ मतलब देखा ना तो वो मुझे मतलब ऐसे देखा कि
कि थोड़ा सा उसने अपनी मूवमेंट भी करी और यहाँ एक गाड़ी को ग्रोल भी सुनाई दी। हमारी गाड़ी तो ऑन में थी लेकिन पता नहीं कैमरे में फुटेज आई नहीं आई। अब देखो हम वेट कर रहे हैं क्योंकि ये तो जरूर है कि वो चलेगा पक्की बात। इससे आगे था, खुला वाला एरिया था, ये था। हाँ ये एरिया था, तो हमने टाइगर देख लिया था, आपको भी दिखाया। हालांकि उतने अच्छे से मुझे कैमरे के लिए शॉट्स नहीं मिले लेकिन हाँ मोमेंट मुझे मिली, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। तो जी अब हम आ गए हैं मेन रोड में। तो जी ये फिर आज की सफारी हो गई है कंप्लीट। और बाकी देखिए यार, मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई करा और बेस्ट ट्राई किया, कोशिश करी कि हमें कुछ शॉट्स मिल जाए, मतलब कि जो हम अपने DSLR से खींच पाए, लेकिन टाइगर की मूवमेंट को कोई समझ नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है। हालांकि जब वो चल रहा था उस टाइम में हम रुक ही गए थे ऑलमोस्ट, तो टाइगर क्या है कि उस टाइम में भागते हुए अंदर की तरफ घुस गया था और उसके बाद से हम काफ़ी देर तक वहाँ वेट कर रहे थे और काफ़ी गाड़ी भी आने लग गई थी और काफ़ी गाड़ी आ जा भी रही थी। तो हालांकि हो सकता है कि टाइगर तब भी वहीं बैठा हो और लोगों की नज़र नहीं गई होगी, लेकिन जब हमारी गाड़ी की वहां पहुंची और मेरी सडन नज़र गई टाइगर की तरफ और टाइगर बैठा हुआ था और थोड़ी देर हमारी तरफ भी देखा उसने, लेकिन उतनी देर में फिर हम वापस आ गए सेम पोजिशन में क्योंकि हमारे गाइड साहब ने बोला कि वहाँ पर आप रुक नहीं सकते हो टाइगर के आगे, तो वो बात भी सही है, तो वो चीज़ भी हमें रखने दी। और उसके बाद जब हम वापस आए उसके बाद वेट करा और उसके बाद दोबारा हमें मूवमेंट नहीं मिली, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी सफारी थी, मज़ा आया। आप लोगों के लिए भी हम कुछ लेके आए तो बताना आप लोगों को कैसे लगी। बाकी अब चलते हैं अपने रेस्ट हाउस में और फिर क्या पता नाइट ड्राइव करें हम। तो कदरी जी कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा यार, टाइगर जाते ही टाइगर दिख गया था हाँ। लेकिन वो ये किस्मत की खराब चल रही थी यार, दोबारा बाहर नहीं आया। हाँ दोबारा बाहर नहीं आया, बस ये है कि बहुत बढ़िया शॉट उसके मिलते, शॉट बहुत अच्छे मिलते थे, इसी उम्मीद में हम तो काफी देर। देखो हाँ। टाइगर का कोई पता नहीं बाहर आया ना है, देखो हमने तो वेट करना ही है ना, करना ही है, टाइम तो दिख गया था, हम छोड़ नहीं सकते उसको। तो अधिकांश समय हमारा वही सफारी का, ये तो है। तो रवि भाई बढ़िया लगा, फिर चलो कल मिलते हैं सुबह की सफारी और अच्छा मिलेगा। ठीक है आसिफ भाई धन्यवाद, आप लोगों ने पूरा अच्छे से ट्राई करा। तो मुश्किल है। तो जी बाकी कैसी रही आपकी सफारी? बहुत ही बढ़िया। हाँ जी बहुत बढ़िया साइटिंग, सुबह तो जब स्टार्टिंग जहां टाइगर की साइटिंग हो गया सफारी खराब हो ही नहीं सकती। हम में से एक पनौती है जो भी है, पता नहीं कौन है, हम में से एक पनौती चल रहा है तगड़ा। नहीं हम तो नहीं है, हमें तो हेड ऑन मिला है पिछले हफ्ते, और मेरा तो पहला, मतलब साथ में पनौती कोई चल रहा है भाई। साथ में देखो मैं तो नहीं हो सकता, अभी अलग कुछ टाइम से साथ में आया, मैं नहीं था पिछली बार, तब तुम्हें कुछ नहीं दिखा था। नहीं पिछली बार भी दिखा था, हमें ऐसे झलक तो दिखी थी पानी के बाद, इतना अच्छा नहीं दिखा था चलते हुए पूरा। अभी यार जब दिखा लेकिन हमें बुरा ये लगा जो बाद में लोगों ने कहा भालू और टाइगर। और एक तो जब से नया डिस्प्ले लिया ना उसका उद्घाटन भी नहीं हो रहा है टाइगर के साथ, वो तो नहीं हो रही है। अब जब मैंने ये फोन लिया था ना, जब मैंने आईफोन लिया था उस दिन पहली बार जब मैं सफारी में आया था 15 नवंबर को,
टाइगर को किल करते हुए शूट किया था हमने, इसी से ब्लॉग बनाया था। और लेकिन देखो यार जल्दी से DSLR की ओपनिंग करते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से दोबारा, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सही बने वाले।